बिहार के सीएम नीतीश कुमार कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। अक्सर अपने बयानों को लेकर नीतीश सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा काम किया है जो सभी की जुबान पर है। सीएम नीतीश ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के बेटे की शादी में शिरकत की। शादी में शामिल होने के लिए नीतीश हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान नीतीश के बेटे निशांत भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि इस दौरान पिता और बेटे की साथ में कोई फोटो और वीडियो सामने नहीं आई है। गांव के पंचायत घर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम ने पीएसओ परमवीर के परिवार को बधाई दी और पीएसओ परमवीर के बेटे ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएसओ की मां ने भी नीतीश कुमार का अभिवादन किया और सीएम ने पूरे परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई। गौरतलब है कि नीतीश कुमार साल 2008 में भी निजी कार्यक्रम में रेवाड़ी आए थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। आज आया हूँ हमारे सिक्योरिटी पीएसओ में विक्रम परवीर जी, इनके बच्चे की तिलक है, फंक्शन है, इन्होंने हृदय से बुलाया तो मैं पिताजी दोनों आए थे। इसलिए आप दहेज मुक्त शादी है और आप लोगों ने इतना जो प्यार सम्मान दिया मुझे पिताजी को, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआ। पहले भी आए हरियाणा? नहीं पहले नहीं, पहली बार। पिताजी के साथ फर्स्ट टाइम आए? आप लोग बहुत अच्छे हैं, हरियाणा के लोग सब काफी अच्छा ख्याल रखा, सबको धन्यवाद। गौरतलब है कि पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नीतीश कुमार का बेटा भी नजर आया है। निशांत कुमार ने पिता की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वीआईटी मेसरा से डिग्री हासिल की है। हाल ही में बेटे निशांत के भी राजनीति में आने की अटकलें लगनी शुरू हुई हैं। हालांकि अब तक खुद नीतीश और निशांत की तरफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।